लेकिन क्यों? अरे लेकिन अब किस लिए जाना है? मुझे क्या पता ताऊ जी, बाबू साहब ने बोला कि माँ और आनंदी को बुला लो तो मैं आ गया। माँ जल्दी चलो ना, बाबू साहब इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ भैरव से। तू ये रहना मजा के पास। रुक, कहीं नहीं जाएगा तू। क्या है ये जिद? ये जिद नहीं है भाई साहब, मैं जिस काम के लिए वापस आया था वो पूरा हो गया। नंदू ठीक है, सुरक्षित है और मासा की तबीयत भी संभल गई है। फिर आप और भाभी सा तो है ही ना, मेरे यहां रुकने का कोई मतलब नहीं है। पैरों ये तेरा घर है, यहाँ पर रहने के लिए तुझे किसी मतलब या कारण की जरूरत नहीं है। सर क्यों हम फिर से वही पुरानी बातें दोहरा के अपने मन को दुखी कर रहे हैं? अब जाने दीजिए मुझे। लेकिन भैरव, मैं जानता हूं भाई साहब मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मासा का ख्याल रखिएगा। छोड़ के नहीं जाना, हम चले जाएंगे तो दादी सा का ध्यान कौन रखेगा? बेटा तेरे ताऊसा और ताईसा है ना यहाँ पर, फिर सुगना और शाम भी आते रहेंगे, सब मिलकर मासा का ध्यान रख लेंगे। सुनिए, आपने पहले जब घर छोड़कर जाने का निर्णय लिया, मैंने बिना एक पल गवाया आपका साथ दिया। आप मासा को इस हाल में छोड़कर जाना, ये ठीक ना है। मुझे भी मासा की चिंता है, ख्याल है उनका, उन्हें बीमार और कमजोर देखकर मेरा भी मन दुखी होता। सबकी तरह मैं भी मासा को खुश देखना चाहता, लेकिन मुझे अपना खजान सिंह जी को किया हुआ वादा भी याद है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आनंदी पर कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। और यही सब सोचकर तो हमने घर छोड़कर जाने का फैसला किया था ना। अब चल। तू भले ही कुछ ना बोले, लेकिन मुझे तो पता है ना कि मैंने तेरे और आनंदी के साथ कैसा बर्ताव किया। जो कुछ भी हुआ, जो तेरे घर छोड़ देने की नौबत आ गई, ये सब मेरे कारण हुआ। मेरे ही गुस्से और अक्कड़ सोच के कारण हुआ है। सगे पराए ऐसी छोटी छोटी बातों में इतना उलझ गया था कि प्यार का वो रिश्ता जिसने इस घर में हम सबको आपस में बांध रखा है एक दूसरे से, मासा से, मैं उस रिश्ते को ही भूल गया था। बिल्कुल ठीक कहती है गहना, तूने तो अपने आप को लक्ष्मण साबित कर दिया, वो तो बस मैं ही हूं जो राम ना बन सका।
सोच में, कर्म में तू बड़ा है भैरव, मैं नहीं। तेरे सामने मैं बहुत छोटा हूं भाई साहब, मैं तुझसे हाथ छोड़ के माफी मांगता हूं भैरव। मैंने आज तक जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, सब चीजों के लिए तुझसे माफी मांगता हूं। माफ करते, ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन लेकिन मेरे मन में आपके लिए वही आदर और प्यार है जो पहले था। आप मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। भाई साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे घर छोड़कर जाने का कारण आप नहीं है। मैं समझता हूं भैरव, मैं सबको समझता हूं। और देख, मैं ये भी जानता हूं कि जग्या की भविष्य की चिंता में मासा ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था, बिल्कुल गलत था। अंत में तो वही हुआ ना जो तू चाहता था। फिर तू मासा से नाराज क्यों है भैरव? मैं उनकी तरफ से तुझसे माफी मांग लेता हूं। भाई साहब, बात वो नहीं है भैरव। देख, तू सिर्फ एक बात याद रख भैरव, मासा ने भी आज तक कुछ कम दुख नहीं सहे। बिना किसी सहारे के हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। अपने बारे में न सोचकर हमारी खुशियों में इतना डूबी रही, हमारी खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढती रही। और तू ये क्यों नहीं समझता भैरों कि दो पीढ़ियों में सोच का अंतर होना स्वाभाविक।